पश्चिम चंपारण के मठौरिया थाना क्षेत्र के रतनमाला पंचायत के वार्ड नंबर 13 छौराहिया गांव में अचानक आग लगने से दो घर सहित लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। तीन दिन बाद ही एक घर में बारात आने वाली थी। बता दें कि आग लगने से महेंद्र यादव और बड़े लाल यादव का घर पूरी तरह से जलकर राख हो गया। वहीं ग्रामीणों के सहयोग से बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। ग्रामीणों ने बताया कि तीन दिन बाद ही उसी घर में शादी थी। आग लगने से सब कुछ जलकर नष्ट हो गया। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल सका है। इस संबंध में मझौलिया अंचलाधिकारी ने बताया कि आग लगने से कितने की क्षति हुई है, आकलन के लिए वहां राजस्व कर्मचारी को भेजा गया है। सरकार द्वारा जो सहायता दी जाती होगी वही दी जाएगी। मालूम नहीं कि आग कहीं लग गया, डेढ़ दो लाख के नुकसान में बारात उरात के सब सारा सामग्री किन के रखल रखल सब धो ले सारा ब्याह का सामान सब यही में रख है। पाँच दिन तो और ब्याह है बा, सब कुछ जर गई, सब कुछ यही में जर गई, सारा सामान यही में किन के धो रहा, दो तीन लाख के सामान सब यही में धो ले रही है, सन यही में रहत रही है, सारा जर गई। संवाददाता सोन प्रसाद, 20 आरएस न्यूज, बेतिया, बिहार।